नगर निगम में अफसरों की आंखें मूंद कर बैठे रहने से ठेकेदारों की अंधेर गर्दी मची है। शहर में लगी रोड लाइटों के बिलों की राशि कम करने के लिए जिस मकसद से स्ट्रीट लाइट राष्ट्रीय परियोजना के तहत करीब 2.5 लाख LED लगाई गई थी, उसका मकसद ही पूरा नहीं हुआ। रिपोर्ट आप देखिए। नगर निगम प्रशासन ने 550 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी ना तो शहर को रोशनी से जगमग कर पाया और ना ही बिजली के बिल में कोई कमी ला पाया। ठेकेदारों की मनमानी के चलते राजस्व को नुकसान हो रहा है। दरअसल मामला स्ट्रीट लाइट राष्ट्रीय परियोजना के तहत करीब 2.5 लाख LED से जुड़ा है। शहर में बिलों की राशि कम करने के लिए नगर निगम क्षेत्र में सरकार ने 2 ESCO और EESL को LED लाइटें लगाने का टेंडर दिया था। टेंडर की शर्तों के मुताबिक LED लगने से हर महीने होने वाली बिजली की खपत और बिल राशि में 77% कमी होनी थी, लेकिन बिल राशि 30% भी कम नहीं हुई। LED लगने से पहले रोड लाइटों का निगम क्षेत्र में करीब 7 करोड़ रुपए बिजली बिल आता था। टेंडर के मुताबिक LED लाइट लगने पर बिल राशि हर महीने 2 करोड़ रुपए के आसपास होनी चाहिए, लेकिन LED लाइट लगने के बाद भी हर महीने बिल 4.5 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए तक आ रहा है। नगर निगम के अधिकारियों ने बिलिंग कम करने और LED लाइट लगाने के लिए 550 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि खर्च कर दी। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि LED लाइट लगाने पर भी बिलिंग राशि कम नहीं होने की बात सामने आई है। अब कंपनी को किए जाने वाले भुगतान में से कटौती की जाएगी। EESL और ESCO जो कंपनियां थी जिसमें बिजली में बचत का जो प्रावधान था टेंडर में आप बता रहे हैं, उस पर कभी डिटेल में विस्तृत चर्चा की जाएगी। उसमें काफ़ी क्लोजेस थे जिसकी पालना या तो नहीं हुई है और हमने डिटेल रिपोर्ट भी DLBU में इसको भेज रखी। नगर निगम के आंकड़ों में सामने आया है कि ESCO और EESL के जरिए 2016 से शहर में LED लाइट लगाई जा रही है। दोनों कंपनियों को 2,42,000 पोल पर LED लाइट लगानी थी। ESCO कंपनी को शहर में करीब 1,12,000 लाइटें लगानी थी। ESCO कंपनी को निगम के स्तर पर टेंडर हुए थे, लेकिन टेंडर की शर्तों के मुताबिक एक बार भी बिलिंग राशि कम नहीं आई। अभी शहर में दोनों कंपनियों को करीब 25,000 पोल पर लाइट लगानी है। मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर का कहना है कि राज्य सरकार से लाइट लगवाने वाली कंपनियों का टाइप हुआ था। राज्य सरकार को हम लिखेंगे कि समस्या का समाधान करवाए, नहीं तो वो कंपनियों पर एक्शन लेंगे। अब ये कंपनियों ने जो पहले काम किया है तो वो राजस्थान गवर्नमेंट के साथ में उनका टाइप था। राजस्थान गवर्नमेंट से शायद उनका कुछ जो भी है बकाया होगा, तो वो भी उनका निस्तारण करने के लिए हमने कहा है कि गवर्नमेंट को भी लेटर लिखा है कि इनकी जो भी समस्याएं हैं उनका आप निस्तारण कीजिए, क्योंकि निगम इसमें परेशान हो रहा है तो फिर निगम को अपने स्तर से जो है वो फिर कार्रवाई करेगा। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी ना तो शहर जगमग हुआ और ना ही बिजली के बिल में राहत मिल पाई। ऐसे में सवाल है कि आखिर लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई कब होगी। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।